हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ नारियल मावा लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। जितना ये देखने में यमी टेस्टी है, खाने में ये लड्डू उतने ही टेस्टी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत कम वक्त में ये लड्डू बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, कोई भी मौका हो उस मौके में आप इसे बनाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दो नारियल लिया है, इसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है। आप नारियल पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ 200 ग्राम मावा है, इसे भी मिक्सर जार में डालकर बारीक पाउडर बना ली हूँ। इस तरीके से आप इसे क्रश भी कर सकते हैं। और यहाँ 1 कप चीनी ले रही हूँ, मीठा कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और 2 बड़ी चम्मच घी चाहिए। यहाँ मैं गैस ऑन करके पैन रख दी हूँ गर्म होने के लिए। इसके अंदर घी डाल दूंगी। घी काफी अच्छे से गर्म हो गया, इसके अंदर मैं नारियल पाउडर को डाल दूंगी। नारियल को मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। डालने के बाद हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए भूनूंगी। यहाँ 3 मिनट हो गया है भूनते हुए, अब देख रहे कलर बदलना शुरू हो गया। तो मीडियम से हाई फ्लेम पर मैं इसे भून लूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत इजी सी रेसिपी है। कलर बदल गया है, इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी। फ्लेम को अभी मैं हाई रखी हूं और इसे मैं अच्छे से मिला लूंगी। चीनी को मिलाने के बाद साथ में ही मैं इसके अंदर मावा को भी डाल दूंगी। इसे मैं मिला लूंगी। फ्लेम को यहां मैं मीडियम कर दूंगी। यहाँ मैं अच्छे से मिला दी हूँ। मिलाने के बाद 4 से 5 मिनट लो से हाई, हाई से मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाती रहूंगी। चलाते हुए ही भुनना है ताकि जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत इजी सी रेसिपी है। आप देख रहे हैं कितना इजी है इस लड्डू को बनाना और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस लड्डू की ये है कि बहुत कम मेहनत में इतनी अच्छी लड्डू इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, हलवा की तरह भी लड्डू भी बना सकते हैं, इसकी कतली भी काट सकते हैं। जिस शेप में चाहें आप एक अच्छा सा शेप इसे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ लड्डू बना रही हूँ। 4 मिनट हो गया है इसे मीडियम से लो फ्लेम पर भूनते हुए। आप देख रहे हैं ये बनना शुरू हो गया है, कढ़ाई छोड़ रहा है। इस तरह से बनना चाहिए। आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे सिंपल ही बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे मैं निकाल लूंगी। यहाँ मैं गैस से इसे उतार कर रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब लड्डू बनाना शुरू करूंगी। बहुत ईजी रेसिपी, इसे आप जरूर ट्राई करें। यहाँ ये ठंडा हो गया, बहुत ठंडा नहीं है, बांधने लायक ठंडा है, हाथ नहीं जलेगा। आपको जितना बड़ा छोटा साइज का बनाना हो लड्डू आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ मीडियम साइज के बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना इजी इसे बनाना। तैयार है यहाँ पर। यहाँ मैं एक और आपको दिखला दे रही हूँ। इस तरह से इस मिश्रण को लूंगी और हाथों के बीच इसे रख के इस तरह से घुमा लेना है, लड्डू का शेप देना है। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रखें। तो देखिए बहुत ईजी इसे बनाना, तैयार है। इसी तरीके से जो भी बचा है उसे मैं बना लूंगी। नारियल मावा लड्डू बनकर तैयार है। 3 से 4 मैं काजू ली हूँ, उसे बारीक कट करके गार्निशिंग करूंगी। तो आप इसे किसी भी मौके पर बनाएं, बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। तो मैं यहाँ काजू से इसे गार्निशिंग कर दे रही हूँ। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।